Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. हेलो हेलो, अरे सूर्यांश भाई, अर्ली ओपी, सही में मैं यही बोलने वाला था आते कि अर्ली ओपी। क्या हाल चाल भाई? आई होप मेरी आवाज़ आ रही हो, इफ़ एवरीथिंग इज़ फाइन, और बैकग्राउंड म्यूज़िक भी ज़्यादा लाउड ना हो। एक बार ये सब सही हो जाए तो आज का स्ट्रीम थोड़ा अलग है। पिछले दो स्ट्रीम्स मैंने किए थे जिसमें वी वर ट्राइंग टू गेस जीएम्स मूव, एंड इन दिस स्ट्रीम वी विल ट्राई टू प्ले अगेंस्ट अ जीएम। सब बढ़िया? ओके, कूल कूल सूर्याज भाई, थैंक्स। एक सेकंड, कॉफ़ी पी लूँ। तो पिछले दो स्ट्रीम्स में वी वर ट्राइंग टू गेस जीएम्स मूव। मैंने सोचा अब कोई एक्चुअल जीएम तो आ नहीं सरा हमारे स्ट्रीम पे, सो वाई नॉट प्ले अगेंस्ट अ फिक्शनल जीएम। तो रिसेंटली नेटफ्लिक्स ने ये जो सीरीज लॉन्च की थी क्वींस गैम्बिट, तो उसका एक बहुत ही फेमस प्रोटैगनिस्ट बेथ हार्मन, तो शी chess.com वालों ने क्या किया, अभी उन्होंने कुछ तो अपना, भाई हम भी अब एम्स्टर्डम शिफ्ट हो रहे हैं। अरे भाई बढ़िया सूर्यांश भाई, एम्स्टर्डम तो मैं नहीं गया हूँ पर अच्छी जगह है काफ़ी, मतलब अच्छी जगह तो कई मायनों में है बट ऐसे रहने के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी जगह है। कब शिफ्ट हो रहे हो भाई? या तो chess.com वालों ने ये, मैं दिखाता हूँ इधर, प्ले इफ यू गो टू कंप्यूटर। इनके बहुत से कंप्यूटर पर्सनालिटीज इन्होंने लॉन्च किए हैं, सो यू कैन एक्चुअली सेलेक्ट यहाँ पे जैसे इंटरमीडिएट, एडवांस्ड, मास्टर, और ये बेथ हार्मन की स्पेशल सेलिब्रिटी है। तो व्हाट वी विल डू टुडे, नेक्स्ट वीक का शेड्यूल, अरे भाई बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक भाई। तो ये बेथ हार्मन का एक स्पेशल मतलब है सीरीज इनका, तो इसमें लाइक एज द कैरेक्टर प्रोग्रेस्ड इन द शो, उसके हिसाब से डिफरेंट एज पे डिफरेंट स्ट्रेंथ का ये बॉट है। तो वील सी कि हम किस लेवल तक के बॉट को डिफीट कर पाते। एंड द आइडिया इज टू प्ले क्वींस गैम्बिट ओपनिंग एंड वी विल बी वाइट अगेंस्ट ऑल ऑफ देम। तो इट
इट शुड बी फन आई गेस। और उसके बाद फिर बोर हो जाएंगे अगर इससे, तो वी विल सी व्हाट टू डू। अरे भाई भाई, रात तक कर रहे हो ना स्ट्रीम, अभी 15 मिनट में आते हैं। हाँ, सुजान भाई आराम से, अभी तो करूँगा काफ़ी देर। ओके, एक बार मैं देख लेता हूँ ये नाइट बॉट काम कर रहा है कि नहीं मेरा। ओके, कर रहा है कर रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद बेथ हार्मन एट द एज ऑफ 8 व्हेन हर स्ट्रेंथ वाज 800, राइट? तो 800 को तो ऐसे ही बीट कर देंगे, लेट्स सी। ओके, लेट्स टेक अ चैलेंज विथ वाइट एंड प्ले। ये थोड़ा सा क्रॉप कर देता हूँ, ये मुझे लग रहा है साइड से कुछ ऐड आ जा रहा है इधर। ओके, अभी सही। सो लेट्स स्टार्ट विद D4। अरे ये तो मेट करने आ रहे, ये सही है। ओके, क्वीन ट्रैप हो गया है इसी के साथ 800 का। अरे ये तो मेरा पीसी नहीं ले रहे। मेट करते हैं, मेट करते हैं। पहले ये लेते हैं। लेट्स गो फॉर अ क्विक मेट। भाई ये तो कुछ ले ही नहीं रही है। पीस यहाँ आना था ना, ये नाइट सेटिंग करना है। ओके लेट्स सी। अभी तो मेट होना चाहिए। इधर लाते हैं, यहाँ पे इसको ब्लॉक करते हैं। टेक्स, नाउ दिस इज गोइंग टू बी मेड सून। ओके दिस इज मेड। और इज इट? अरे भाई एक मेड नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, वन ब्लंडर्स इन दिस गेम, नॉट बैड नॉट बैड। सो दिस वॉज बेथ हार्मन एट द एज ऑफ 8। एट हंड्रेड रेटिंग, इजी। सो लेट्स गो बैक एंड प्ले अगेंस्ट, वॉट इज द सेकेंड एज? 9। 9 पे वो बढ़ के 1200 हो गई। ओके, 1200 के अगेंस्ट खेलते हैं। लेट्स गो फॉर दिस। वॉट इज दिस ओपनिंग? लेट्स टेक द पॉन। आई हैव नेवर प्लेड दिस ओपनिंग। आई विल प्ले समथिंग वियर्ड। ओ, फियान का टू द बिशप। आई जस्ट प्ले नॉर्मल डेवलपिंग मूव्स।
Should I protect that pawn though? I could. Yeah, let's defend. And now, so this is Beth Harmon when she was 12, 9, and her rating was around 1200. Iske baad we will play when she grew up thoda more. Okay, this plunders a piece, right? Okay. Maybe this will trap the queen? Your no. Okay, let's just take the free piece. Now let's try to trap the queen. Or at least win the rook. Okay, this is fine. Let's try to get our rook on the back line. Pin the bishop. Okay, she's trying to run away. Go in with the knight. How do we mate? Arey Rahul bhai, hello. How do we mate this? Let's just take this to simplify. Okay. Now let's just bring more pieces. Beth Harmon noob, abhi wo strong hogi Beth Harmon bhai. Abhi age 9 ke saath khel raha hu, abhi dekhna dheere dheere kitni strong ho jati hai ye. मैं भी नूब की तरह ही खेल रहा हूँ, पीसेस दिया जा रहा हूँ भाई. एक बहुत बढ़िया जोक है पर बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा. अरे भाई. मतलब अप्रोप्रिएट है तो इट्स ओके. साला ड्रग इसके स्ट्रॉन्ग है. मैं बैक रैंक ना हो जाए यार, पहले तो ये करना, बैक रैंक बचाते. लेट्स जस्ट टेक एंड गो इन द एंड गेम. हाँ 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 अभी. अच्छा, मुझे लगा ये जोक था आपका, इसीलिए मैं इस पर्सपेक्टिव से देख रहा था. ओके, अभी तो क्वीन बना लेते हैं. ओके, नाउ देयर शुड बी अ मेट समवेयर. ओके, दिस इज मेट.
वो जोक अप्रोप्रिएट नहीं है इसलिए नहीं बोलूंगा। ओके भाई ओके सो ये नाइन नाइन इयर्स वाले को तो हरा दिया। अगला क्या है, अगला रेटिंग देखते हैं। नेक्स्ट बॉट, दिस इज व्हेन शी इज 10 एंड हर रेटिंग इज 1600। ओके दिस विल बी स्लाइटली मोर चैलेंजिंग। 1600 तो इज अ डिसेंट रेटिंग। लेट्स सी। लेट्स प्ले द क्वींस पॉन ओपनिंग। सारे नेचुरल मूव्स खेलते हैं। यहाँ पे ये मूव थोड़ा इनएक्यूरेट होता है जहां तक मुझे पता है। यूजुअली पीपल, अरे ये तो पूरा स्पेस ले रही है इधर। ओके आई डोंट माइंड। भाई आप जेल जाओगे, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्जन ऑफ जोक आई कुड मेक। आई बेट यू वोंट गेट इट। हाँ भाई नहीं समझ में आया, इसमें जोक कहाँ था। ये बिशप एक्सचेंज करना है मुझे। ये बिशप एक्सचेंज करके रहूंगा मैं। अरे यार दिस वॉज अ ब्लंडर। मैं बोल नहीं सकता ना कि कहाँ जोक था इसमें। एक सेकंड क्या है भाई ये जोक। भाई आप जेल जाओगे, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्जन ऑफ जोक आई कुड मेक। ये तो लेना पड़ेगा। Maybe take this. Take towards the center. Knight को reroute करते हैं। इसको भी इधर लेके आते हैं। अरे फ्री नाइट दे दिया भाई उसको, क्या ही कर रहा हूँ। फ्री नाइट दे दिया, शिट। 1600 वाले बेथ हार्मन से हार गया भाई, बताओ। ये राहुल भाई का जोक डिकोड करने के चक्कर में, अरे तीन लोग देख रहे हैं भाई, लाइक कर दो अगर किसी ने नहीं किया है तो, और सब्सक्राइब भी कर लो। ये देखो ब्लंडर ऐसे करते हैं, क्या ही बोलूं। नया रीमैच करते हैं इसको एक सेकेंड। चलो ब्लैक से खेलते हैं, कारो कायन खेल के हराएंगे। अरे भाई ये क्या ओपनिंग है। अरे इतनी नो लाइक क्यों भाई। अरे क्या हो गया दीदी। Even though we are out of reach, I
नो धोखेबाज यार। ये देखो नाइट वार्ड भी बोल रहा है नीति लाइक करने, पिछले स्ट्रीम में क्या किए थे भूल गए। पिछले स्ट्रीम में ऐसा ये जीवक ने भी कुछ कमेंट किया था, मुझे समझ नहीं आया ऐसा क्या हुआ था पिछले स्ट्रीम में। कुछ तुमने बोला था गेम खेलने को और फिर मैं खेला नहीं, ऐसा कुछ हुआ था क्या? अरे मुझे भी नहीं याद है राहुल भाई। मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक निधि आस्क्ड टू प्ले अ गेम एंड देन आई डिडंट प्ले विद हर, ऐसा कुछ। यहाँ जाए अगर तो कुछ तो वीकनेस है उसके पोजीशन में। राइट ये क्यों बार बार टेक्स टेक्स टेक्स। एक पॉन तो जीतेंगे, हम आपको बोल रहे थे मेरे साथ गेम खोलो तो आप बोले थे चलो जाओ। अरे ये कब हुआ, ऐसा थोड़ी ना हुआ होगा यार, ये कुछ भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें हैं। मुझे स्ट्रीम देखना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। ये तब से क्वीन ही हिला रही है बैठ। Let's see, एक्सचेंज कर लेते हैं ये। Let's put some pressure here. यहाँ आएंगे तो वो इधर आएगा थोड़ा सा। Can you bring the rook? Maybe we can bring the rook up. हाँ हाँ देखता हूँ, पर आई डोंट थिंक कुछ तो और कॉन्टेक्स्ट रहेगा ना, मैं ऐसे थोड़ी नहीं बोलूंगा। मे बी एंड मेरी तरफ से थैंक यू बोलना जी। अरे ओके ओके बोल दूंगा भाई, सॉरी, पर मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। मे बी मैंने बोला हो कुछ क्योंकि और चल रहा होगा उस समय स्ट्रीम पे, आई डोंट रिमेम्बर। अभी हाउ टू विन, अच्छे I can do this double attack on this pawn, so he'll be forced to push. Let's do this. भाई एक और वर्जन है जोक का। हाँ भाई वो सुना दो, क्या पता समझ आ जाए। अभी मैं क्वीन से वापस आता हूँ और इधर आता हूँ। Okay, he brings the rook there. Interesting. So I'll put my second rook here.
ओ ये यहाँ प्रेशर लगा है। इंटरेस्टिंग, आई नीड टू प्रोटेक्ट दिस। अरे ये रिट्रैक्ट कर लिया, क्या था भाई वो? मैंने पढ़ा ही नहीं, निधि को समझ आ गया। अरे हद है यार, मैंने पढ़ाई। क्या छोड़े राहुल, क्या था भाई ये? बेथ आर्मन से मैं जीत नहीं पा रहा, एक तो 16 की एज पे हद ही हो जाती है। लेट्स सी, मे बी आई नीड टू पुट मोर प्रेशर ऑन दिस पॉन विच इज अ वीकनेस। E3, सो आई कैन गो हियर। ओ ये भी प्रेशर लगा रहा है। अब यहाँ आएंगे, टेक्स 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 टेक्स, डोंट नो। डोंट ट्राई टू डिफीट हर अंटिल शी इज 18। F6 खेलने का मन नहीं कर रहा यार, F6 खेलेंगे तो ये पॉन थोड़ा टेंडर हो जाएगा। पर इसको डिफेंड करने का और कोई तरीका नहीं दिख रहा। लेट्स ट्राई। अरे भाई ये क्या मूव है, अभी तो ये पॉन ले लेते हैं। एंड नाउ लेट्स सी, एम थिंकिंग इधर H5 और F5। ये पिन का थोड़ा यूज करते हैं। H5 में ही डजेंट नीड टू टेक, सो ही विल जस्ट डिफेंड इट विथ समथिंग लाइक दिस और दिस। राहुल इज सेइंग F5 चले जाओ। F5 F5 इफ यू टेक्स टेक, किंग कम्स हियर। कॉन्क्रीट नहीं लग रहा है राहुल। F5 रुक F4। ओ ही कान टेक ऑन E6। राइट राइट राइट, यू आर राइट। वैसे थंबनेल में आप, अरे निधि लेट्स ट्राई F5। यहाँ टेक चेक योर,
टेक्स। अरे आर्या, हेलो हेलो आर्या, बहुत दिनों बाद। आई थिंक आई कैन टेक द बी पॉन, राइट? टेक्स चेक योर एंड देन देर इज नो मोर चेक। ओके, शी जस्ट नाउ मे बी आई कैन ट्राई टू गो फॉर अ, ओ नो, अरे ये माउस स्लिप हो गया भाई, माउस स्लिप हो गया। क्या था, आई वॉजेंट गोइंग टू प्ले दैट। अरे माउस स्लिप हो गया यार, वो ये रुक E7 क्या मूव है। मैन, ये रुक E7 से ब्लंडर कोई नहीं होगा। Rook E8 वुड बी अ मिस्टेक, नो? देन ही चेक एंड देन पिक्स अप माय। अब इस मूव के बाद आई थिंक आई नीड टू प्रोटेक्ट दिस सिचुएशन समहाउ। लेट्स सी, यहाँ आएंगे तो ये चेक है, मे बी आई कैन गो हियर एंड इफ हियर, बट देन दैट पिक्स अप द, कैन आई गो क्वीन हियर सो दैट दिस इज डिफेंडेड एंड इट ऑल्सो अटैच दिस। लेट्स ट्राई दिस। Now I can try to dislodge this. अभी क्या करे, प्रमोट करे, सिंपल। लेट्स प्रमोट नाउ को P5। ओ, 5 पीपल वॉचिंग। हेलो हेलो एवरी वन। अरे प्लीज लाइक कर दे यार स्ट्रीम, ताकि और लोग आ सके। योर शील सिंपली योर कम बैक। ये बहुत तेज खेल रही है। इसको इधर थोड़ा साइड स्टेप करते हैं और फिर ये पॉन प्रमोट करते हैं। वेयर इज द किंग गोइंग? तो अभी लेट्स जस्ट डू दिस। यहाँ आते और फिर प्रमोट। अरे यार पॉन ले लिया। हद्दी है। अबे मेट ही हो गया भाई, कॉमेडियन थोड़ी ना हूं मैं। अरे यार सॉरी, मैंने देखा ही नहीं मेट। इस बार हाँ हाँ राहुल, अरे विनिंग पोजीशन थी ये,
आई नीड टू बी थोड़ा मोर प्रिसाइज, इस बार मैं नहीं लूज करूँगा। अरे इसमें हंसने की कोई बात नहीं है दोस्तों, वो मैं थोड़ा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा था, वरना वो खेलती ही नहीं ना। अरे ये लाइन नहीं यार, ये लाइन मुझे एकदम नहीं पसंद है। आई डोंट नो इसमें करना क्या होता है। मुझे कभी समझ नहीं आता इसमें क्या करना होता है। हियर हियर, एक बार ये ट्राई करते हैं। नेवर प्लेड दिस। ये तो बहुत डेंजरस लग रहा है यार। योर योर, ये बेकार ओपनिंग। लेट्स प्ले विथ व्हाइट अगेन। सब्स के साथ खेलोगे? हाँ एक बार ये मैं इसको थोड़ा अच्छे से हरा दूँ कॉम्प्रिहेंसिवली। आई विल प्ले द नॉर्मल ओपनिंग नाउ, कोई ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करता हूँ अभी। अभी 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 नॉर्मल ओपनिंग खेल कर आते हैं। मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने लगा था। अभी तक मैं 30 बार ही हरा देता। ओ भाई लेट्स टेक दिस पॉन हियर, ब्रिंग द रुक हियर। अभी इतने जल्दी हराऊंगा ना उसको समझ ही नहीं आएगा। क्वीन एक्सचेंज, ओके गो हियर, थ्रेटन दिस। चेक, ये क्या है? ये तो ब्लंडर है। अरे अभी अभी हारेगी यार ये, देखो ना दीदी। कैन आई टेक दिस? वो नाइट बचा सकता हूँ क्या मैं? पहले इसको डिफेंड करते थोड़ा। वो नाइट तो गए हो भाई। हियर हियर, ये चेक देते हैं। दिस इज लुकिंग गुड। अभी चेक, ये देखो भाई अभी मेरा नाइट निकल जाएगा इधर से। आई होप सो। टेक टेक, मेट कहाँ है? वेयर इज द मेट? ये ले लेते हैं फ्री। ओके अभी तो खत्म। अब अगर इसमें भी हार गए तो फिर आई कांट विन।
ओके अभी तो क्वीन बन जाएगी खत्म। लेट्स टेक एवरीथिंग। एंड दिस शुड बी गेम ओवर। ओके ये तो हार गई एज 10 पे। नेक्स्ट बॉट देखते हैं एज 15। एज 15 विथ अ रेटिंग ऑफ 1880। अब एक बार मैं अच्छा एक बार सबसे हाईएस्ट बॉट के साथ खेलता हूँ। इसके इसकी हाईएस्ट बॉट क्या है? एज 22 व्हेन शी वाज 2700। बट एज 18 वाले को हारना था, हराना था। अरे नहीं जाएंगे सर के ऊपर से। ये देखो 2700 को हराते हैं अभी। लेट्स सी दिस इज द बेस्ट। अरे 5 लोग देख रहे हैं यार, लाइक कर दो कम से कम थोड़ा। 5 लाइक तो कर ही दो एटलीस्ट, कुछ और लोग आ जाए यहाँ पे। एज 2700 को हराते हैं भाई। ये देखो हाउ टू बीट बेथ हार्मन व्हेन शी वाज एट हर प्राइम बाय प्लेइंग क्वींस गैम्बिट। ओ डिक्लाइंड। हियर लेट्स सी हाउ वी कैन डिफीट हर। Should I push this pawn? Usually they do push this pawn. And then they put the bishop here. Now I can take. She'll probably take this way. I can also castle. Or I can play bishop here. Let's just castle first. Put the bishop here, I think. अरे नहीं भाई निधि, मेरा कोई सरनेम नहीं है। मैं 15 मूड में कैसे मेट कर देगी भाई? ये देखो अभी मैं ना कर दूं उसको 15 मूव में। आई थिंक आई कैन टेक। ए निधि और राहुल के अलग ही भाई, कोई लाइक ही नहीं कर रहा है, बताओ यार। हियर आई थिंक कैन आई पुश दिस पॉन। टेक्स टेक्स टेक्स। हियर हियर योर 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 मे बी आई कैन प्ले रुक हियर फर्स्ट। अरे यार उसने नाइट ला दिया अंदर। ओके आई वॉज थिंकिंग शी कैन डू दैट। सो मे बी क्वीन हियर विद द थ्रेट। If she takes, it's okay. Okay. भाई ये अलग ही ट्रिप पे चल रही है चैट। अरे किसी ने डिसलाइक मार दिया भाई, मैं लाइक करने को बोल रहा था लोगों से, लोगों ने डिसलाइक कर दिया। हद हो जाती है, छोड़ो अब बोलूंगा ही नहीं मैं लाइक करने को।
how can I increase the pressure here? Let's see. Takes. Takes. Maybe I can put the bishop back and try to play knight here. That's the plan. अरे नहीं भाई, डिसलाइक ना करें प्लीज. एक तो ऐसे ही यार रीच ही नहीं होती मेरे वीडियो की, ऊपर से डिसलाइक कर दोगे तो खत्म ही हो जाएगा पूरा. Let's say we go here. I was thinking वो सैक ना कर दे. Okay. We have to take this. अरे खत्म ही हो गया गेम. थिंकिंग के आप तो गेम बज गया. अरे अक्षय भाई. अरे यार गया. हियर और फिर चेक. अगर मैं रुक यहाँ ला दूं अभी तो कोई उम्मीद है क्या? रुक हियर चेक देखते हैं. अरे मेट हो गया यार ये तो. अरे नहीं, अरे 3 लाइक हो गए 4 से यार, हद हो जाता है. ओके फिर से रीमैच. मुझे एक बार इसका एनालिसिस देखना है, इसमें मैंने गड़बड़ क्या किया. आई थिंक दैट नाइट को वहां से हटाना वॉज अ मिस्टेक. अभी तक तो सारे बुक मूव्स हैं. दिस वॉज द बेस्ट मूव. Book move. Oh, play e4 here only. Okay. ये bishop d2 का यहाँ कोई point नहीं है. e4 अभी खेल लो. So takes and then take with the knight. Takes. Okay, ऐसे होता है. I see. तो वहां पे पहली मेरी मिस्टेक थी और वो पॉन लेने की भी जरूरत नहीं है. आई कैन लीव इट हैंगिंग. ओके सो दिस वॉज द क्रिटिकल मिस्टेक. ओके ओके नो प्रॉब्लम. फिर से खेलते हैं. इसको हरा के ही रहूंगा मैं अभी. ये बेट 2700 है ना इसके रेट. ओके लेट्स प्ले. अभी नो मिस्टेक्स यहाँ पे. एंड नाउ कैसल इज द करेक्ट मूव. एंड नाउ प्ले दिस. बट व्हाट इफ टेक्स.
देन आई टेक बिकॉज देन इट्स टेक्स कैन आई गो हियर टेक टेक और शुड आई टेक शी कांट टेक दिस बैग लेट्स टेक डैनी ना हाँ डैनी को हराया था भाई भाई अरे हराऊंगा यार हराऊंगा मैं इसको मैंने 2500 वाले को हरा रखा है इसमें जो बेथ हार्मन का 2500 है देखो भाई कैसे हराते हैं अगर यहाँ लेंगे तो ये लेगा और फिर मैं शुड आई टेक और शुड आई जस्ट पुश द पॉन इफ आई पुश देर इज नो पॉइंट ये बिशप ब्लॉक हो जाएगा अरे मैं देख ही नहीं रहा तुम लोग अपना करो एक तो डिसलाइक भी कर दिया वीडियो को लाइक भी नहीं कर रहे हो अलग ही मतलब मैं क्यों ही स्ट्रीम करता हूँ भाई Here, and maybe then this. Develop the bishop simple. अच्छा भाई से Okay, let's try this. आर्यन हेलो हेलो कैन आई प्ले क्वीन हियर और रुक हियर बेस्ट इज ऑफ अ ड्रॉ रुक इवन करो अक्षय भाई से ओके लेट्स ट्राई रुक इवन ओ शिट टुक अभी तो वापस जाना पड़ेगा और कैन वी डू अ काम नहीं वापस जाना पड़ेगा अभी तो वापस जाना ही पड़ेगा और कोई मूव नहीं है यहाँ पे आई थिंकिंग आई कैन गो हियर then she'll have to take not that bad let's see here Or I can bring the bishop back, which I'm not sure. Bishop back, then rook here, I don't like. So I'll go here. अरे ये हर बार sack कैसे कर देती है यार? समझ नहीं आ रहा मुझे. Now what's the idea?
ओ ये चेक दे के पीस, चेक दे के पीस। आ आई सी। ओ बट आई कैन टेक। अरे नहीं, ब्लंडर हो जाएगा, वो चेक रहेगा। शिट, आई थॉट ये पिन है, बट हाँ भाई आप डिस्कॉर्ड पे आ जाना। अच्छे भाई, यहाँ यहाँ नहीं यार, हद है, गया। लेट्स सी। अभी तो इस नाइट को हटाना पड़ेगा यहां से, वरना तो ये क्या सैक कर रही है अब। एक और, वॉट इज नाइट F2 मैन। ये नाइट F2 क्या है? वॉट इफ आई टेक, आई टेक एंड देन टेक्स विथ चेक, आई गो बैक। मैं पीस अप हो जाऊंगा क्या? टेक चेक, ले के देखते हैं अब, अगर उसने दिया ही है तो। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, वॉट इज दिस मूव। रुक D8 आफ्टर सैकिंग अ पीस। वॉट इफ आई गो क्वीन हियर? ओ भाई, दिस इज थ्रेटनिंग दिस। ओ मैन, आई सी आई सी। उसको रुक यहां लाना है, तो अगर मैं यहां हटाऊंगा तो मेरी क्वीन गई। वॉट इफ आई टेक टेक्स एंड देन हियर, बट देन अगेन दिस रुक कम्स। ओके दैट इज वेरी डेंजरस। भाई क्या करूं, व्हाट इज द मूव। ओ भाई, मैं किसी तरह क्वीन नहीं एक्सचेंज कर सकता क्या? भाई बिशप F7 को तो शी कैन सिंपली टेक बैक, कोई कुछ नहीं है। ये रुक यहां बहुत डेंजरस है यार, क्योंकि ये मेट हो जाएगा। आई फील लाइक आई हैव टू टेक टेक टेक। अरे बट फिर भी ये आ रहा है। ओ मैन, रिजाइन ही करना पड़ेगा लग रहा है।
लेट्स ट्राई टू सर्वाइव. मैं लेट्स डू दिस. अरे यार ये नहीं ये नहीं. अरे क्वीन कितने थ्रेट्स थे पोजीशन में भाई. हाँ चेक पर मैं वो लाना था मुझे, पर ये नाइट फोर्क हो गया. वो देखा ही नहीं यार क्या ही हक थी. अरे आर्यन मैंने नहीं नहीं इसको हराना है मैंने. ये देखो मैं दिखाता हूँ. ये तो मैं रिजाइन कर दे रहा हूँ. यू कैन सी द इसको रिजाइन करते. ये था एज 8 जिसमें 800 रेटिंग थी, तो 800 रेटिंग वाले को हराया था. फिर 1200 को हराया था. फिर 1600 को भी. 1880 से खेला नहीं लेकिन मैंने ये इसकी रेटिंग 2400 थी, इसको भी हराया था. तो अभी बचा 2500 और 2700. तो मैंने सोचा डायरेक्ट 2700 को ही हराते हैं. तो इस बार हराएंगे, पक्का हराएंगे इस बार. बाय इस बार पक्का हराएंगे. नो मोर मिस्टेक्स. एक भी टैक्टिक्स उसका काम नहीं करने देंगे. ये क्या ओपनिंग है भाई. F5 डच डिफेंस. ओके लेट्स सी. और ट्रैश टॉक भी कर रही हो पर आई डोंट अंडरस्टैंड प्लेयर्स लाइक यू. जस्ट प्ले अ गुड ओपनिंग मैन. दिस इज टफ. ओके लेट्स सी. डच डिफेंस ब्रेक करते. अरे ये तो फूल्स मेट हो जाएगी भाई. फूल्स मेट कर दूं क्या. अगर ये खेल दे तो छोड़, इज्जत से खेलते. इज्जत से खेलते हैं अभी. आई गेस आई कैन प्ले बिशप हियर. दिस नो लेट्स गो फॉर दिस. इसका नाइट कहाँ आ रहा है. ये नाइट यहाँ आ रहा है. ओके गलत कैसल कर दिया क्यों भाई. नहीं ठीक है उसने भी उधर ही कैसल किया. आई थिंक आई डोंट नो आई कुड बी रॉन्ग. मे बी नाइट हियर एंड देन एक्सचेंज दिस बिशप. B3 बिशप B2 खेलना था मे बी. लेट्स से अगर अभी मैं यहाँ गया तो मेरा नाइट ट्रैप हो जाएगा. नहीं आई हैव दिस मूव ऑलवेज. नहीं फिर यार बहुत से मेरे पॉन स्ट्रक्चर बेकार रहेगा. नहीं नहीं दैट्स नॉट अ गुड आइडिया. If I take, she'll take with the bishop, attacking my queen. But then I can play this. Maybe she'll take with the pawn.
बट D3 बहुत ऑकवर्ड स्क्वायर है नाइट के लिए. दैट इज ऑकवर्ड भी है बट एट द सेम टाइम इट्स फ्लेक्सिबल. आई मीन तीन आई डोंट नो लेट्स सी. दैट इज ट्रू. मे बी बिशप हियर takes with a pawn. Bishop here takes. Let's try this. Okay, she plays d6 instantaneously. What if I take with the bishop? Then she'll take. I take with the knight. Interesting. तो अभी मैं वापस ले लेता हूँ इसको. उसके बाद हर आइडिया इज टू टेक एंड देन टेक दिस मे बी. सो मे बी दिस इज द बेस्ट ट्राई. अरे भाई अब तो नाइट ही ट्रैप हो गया. अरे यार ओ मैन दिस इज टफ. यहां आएंगे तो ये आएगा. बट वो ट्रैप हो जाएगा. नाइट G4 करते ही H5 आ जाएगा उधर से. भाई गया ये H5 आ गया तुरंत. न्यू गेम भाई. ये तो बेकार हो गया. एक भी मिस्टेक नहीं एक भी ब्लंडर नहीं फिर भी हरा दिया उसने. कैसे वेयर वॉज वन मिस्टेक. ओके ये मैं मुझे डच डिफेंस नहीं पता है. डच डिफेंस में यू नीड टू पियन कैटो दिस. भाई थ्योरी नहीं पता है इसीलिए मैं हार जा रहा हूँ बस और कोई बात नहीं है. चौबीस सौ से खेल के क्या मजा आएगा आर्यन. एटलीस्ट अरे बियर नहीं है भाई कॉफी है कॉफी. भाई लोग बिना लाइक किए ही चले गए यार हद हो जाती है. वो डेप्थ 10 वाले इंजन का भरोसा मत करो. ओके ओके भाई हाँ ये भी है फर्जी इंजन है वो. ओके इस बार हराते हैं यार. इस बार सीरियसली वो बच डच ना खेले. ये F4 वाला लाइन मुझे नहीं पता. हाँ ये लाइन सही है. दिस इज गुड दिस आई कैन बीट.
एकदम एकदम नॉर्मल खेलेंगे। एक सेकेंड, यहाँ यहाँ ये थोड़ा सा ऑर्डर चेंज हो गया यार इस बार ओपनिंग का। उसने बिशप B4 खेल दिया है। लेट्स सी, बिशप B4 पे आई थिंक ये आएगा तो फिर मैं ये खेल लूंगा, विच इज फाइन। ओके सो अभी कैंसिल कर देते हैं। ये क्या मूव है, नाइट वहां क्यों गया? तो उसका आइडिया है ये लेने का, सो व्हाई नॉट वी ओनली टेक दिस। अभी ये खेल लेते हैं, लास्ट पीस को लेके आते हैं। अभी रुक भी डेवलप कर सकते हैं इजी, या तो ये रुक या तो ये रुक, दोनों। या फिर नाइट को गेम में ला सकते हैं, नाइट को गेम में लाना अच्छा लग रहा है। वो ये नाइट नहीं ला सकती क्योंकि आई विल जस्ट टेक ट्वाइस, और ये उधर उसका नहीं। ओ उसका नाइट वहां आ गया, बट आई कैन टेक राइट, टेक टेक। अरे यार ये, अरे हेलो हेलो अर्नव, ओ मैन, समहाउ आई फील ए नाइट E5 मूव वॉज नॉट गुड, आई डोंट नो। अभी बिशप C4 मार के क्वीन E2 खेल दो। बट देन B5 आ जाएगा उधर। बट दैट माइट बी माई बेस्ट चांस। अरे ये क्या है क्या? C5। भाई और कौन से गेम खेलते हो? भाई और तो मैं कुछ नहीं खेलता हूँ भाई। मतलब कोई ऐसा प्रॉपर गेमिंग वाला कुछ नहीं करता हूँ। C5 को लेट्स सी, टेक्स टेक्स टेक्स, तो अभी तो लेना ही पड़ेगा। मुझे उसके मूव्स ही नहीं समझ आ रहे। अभी वापस कर लेते हैं, और क्या करें भाई। ये ले ले अगर तो, तभी एप्पल में जॉब करो पढ़ाई।
अरे पढ़ाई लिखाई तो भाई कर ली 10th 12th में, उसके बाद तो क्या ही टेक्स। ब्लंडर क्यों भाई ये टेक्स? ये मुझे लग रहा है फिर से कुछ इधर अटैक आ रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा इंट्यूशन हो रहा है, सारे पीसेस उसके इधर ही देख रहे हैं। टेक से क्वीन C5 आ जाएगा। अच्छा ओके, तो सेफ मूव खेलते हैं फिर। अभी अपना रुक भी लेके आते हैं इधर। पहले मुझे इससे डर लगा, अभी तो ठीक है मे बी एक्चुअली। ये रुक लेके आते हैं। ओके अभी मे बी आई कैन प्ले H3 जस्ट टू स्टॉप दिस। एक मूव, ये कहाँ रुक घुसा दिया यार उसने। What if knight here? Queen moves. Maybe knight here. तो रुक को तो वापस जाना पड़ेगा। Okay. Now knight here. क्वीन मूव्स, लेट्स सी मे बी नाइट हियर, डबल द रोक्स, नाइट हियर टेक्स टेक्स टेक्स, नहीं नॉट गुड। ये डबल हो रहा है रुक यहाँ पे इसका, विच इज थोड़ा डेंजरस फॉर मी। अरे मेरा म्यूजिक क्यों बंद हो गया, रिफ्रेश करते हैं। एक सेकंड, स्किप ऐड। अभी ठीक है। लेट्स सी मे बी बिशप हियर जस्ट टू एक्सचेंज सम पीसेस। बिशप हियर टेक्स टेक्स, रुक हियर, देन क्वीन हियर,
दिस इज द ओनली मूव विच आई कैन सी. नहीं भाई इतने जल्दी नहीं. अभी नाइट हटाते हैं वापस. अभी उसका रुख यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, और ये भी नहीं आ सकता बिकॉज ऑफ दिस नाइट. सो उसके पीसेस भी थोड़े रिस्ट्रिक्टेड हैं. द ओनली थिंग इज हाउ डू आई ब्रिंग, हाउ कैन आई अटैक दिस. आई नीड माई नाइट टू बी हियर, और हाउ कैन आई अटैक दिस. अभी वेटिंग मूव चलते हैं. ये क्या चला उसने? नाइट यहाँ पे. इफ आई टेक दिस पॉन विल आई बी इन डेंजर? यस देयर विल बी अ लॉट ऑफ डेंजर, क्योंकि फिर ये डिस्कवरी आ जाएगा. अरे फोर का जाएगा विद द डिस्कवरी, सो इट्स नॉट गुड. वॉट इफ आई प्ले दिस? उसका आइडिया क्या है नाइट यहाँ लाने का? यहाँ सैक करना चाहती है क्या? बट अभी तो प्रोटेक्टेड है. सो मे बी इफ आई प्ले माई नाइट हियर, उसके बिशप को पीछे जाना पड़ेगा. कैन आई प्ले दिस? नो नो दैट इज वेरी वीकनिंग, आई शुड नॉट प्ले दैट. नाइट हियर, बिशप गोज बैक. मे बी क्वीन कम्स बैक. ओ नो देन द स्पिन डेंजरस. नाइट e6 खेलते हैं राहुल भाई. इसके बाद ये तो हार ही जाएंगे वैसे भी, बट ब्लैक बिशप डेवलप कर लो वरना जल्दी. बट ब्लैक कहाँ से डेवलप करे भाई, तीन लोग देख रहे खाली. What's wrong with knight c2? बुलेट खेलोगे? हाँ भाई खेलते इसके बाद, ये मैच के बाद. Here, I don't know what's the plan for white here. So difficult. I'll just play another waiting move. उसको रुक यहाँ लाना था, मैं बता रहा हूँ. उसका सिंपल सा प्लान था. अभी ये नाइट इज डिफेंडिंग दिस सो दैट रुक कांट कम हियर. अभी जैसे ही मैं यहाँ करूंगा उसका रुक तुरंत नीचे आएगा. सो दैट्स व्हाई दिस नाइट ऑन c1 इज वेरी गुड, सॉरी e1 इज वेरी गुड. बट उससे मेरा रुक एकदम ही ब्लॉक हो गया है. तो हियर कैन आई जस्ट एक्सचेंज इट? मे बी बट देन नाइट f3, इफ रुक d3 देन नाइट d4. Knight f3, rook d3, then knight
D4. That's also a good idea. Okay, let's try. नहीं लाया उसने. Now, बस ये बिशप डेवलप करना बाकी है मेरा. बिशप कैसे निकाले? नाइट भी यहाँ ला सकते हैं, बिशप यहाँ ला सकते हैं, बट उससे कोई फायदा नहीं. यहाँ क्या ही कर रहा है? यहाँ लाएंगे, टेक्स टेक्स, देन मेरा बिशप भी खुल जाएगा. ओके, ये यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ आया. ओके, एज विद्युत रूट से गुड मैन, नो क्या बोलता है वो, मैन्योर. मे बी हियर अटैकिंग दिस. अरे नहीं यार, फिर ये स्क्यूअर हो जाएगा. ओ मैन, यहाँ तो नहीं आ सकते. या तो यहाँ आ सकते हैं, विच इज नॉट गुड. या तो यहाँ आ सकते हैं, नॉट गुड. या तो यहाँ आ सकते हैं. ये दोनों तो यूजलेस स्क्वायर है, यहाँ आ नहीं सकते, तो यही बचा. ओके, नाउ कैन आई जस्ट पुश दिस पॉन अभी के लिए, जस्ट टू फिक्स दिस वीकनेस. Go A4, yes. I was also thinking A4. फिर बिशप इधर से भी निकाल सकते हैं. ओके, यहाँ पे तो आई हैव टू प्ले दिस. Now maybe bishop here. अरे नहीं, यहाँ पे मेरा आइडिया था D1 से कुछ कुछ टैक्टिक्स इस पिन को यूज कर. लाइक हियर 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 कुछ तो है. आई डोंट नो इफ इट्स सब्सटैंशियल और नॉट, बट देयर इज समथिंग. मे बी आई पुट माई, इफ आई गो हियर ही विल प्रॉबली जस्ट गो बैक. Let's see. I go here, bishop goes back. Maybe I go. अभी अगर A5 चले जाए. अरे भाई आप बुलेट खेलो, टेंशन ना लो इतना. अरे यार ना भाई. ये कुछ तो इज्जत वाला गेम हो रहा है भाई. 28 मूव तक मेट नहीं हुआ हूँ भाई. स्किलिंग D1 है आज, और विदित वर्सेस डिंग और अनीश है. ओ दो मूव है, या तो बिशप A3 या तो A5, दोनों में से कोई एक. A3 में कुछ नहीं है. अभी चल रहा है क्या भाई? ओ
ओ एक आइडिया है, कैन आई गो नाइट हियर? या नाइट हियर, सॉरी नाइट नाइट हियर, मे बी ये आइडिया करते हैं, नाइट हियर सो कांट टेक बिकॉज आई टेक विद दिस चेक, नाइट हियर डोंट, क्यों भाई ये अच्छा मूव लग रहा है, काफी फैंसी है, बिशप निकाल लो, चलो भाई बिशप निकालते हैं, ओके दिस इज द ओनली, ओ देखो उसने बचा लिया ये मूव, द वन आइडिया विच आई हैड, ओ मैन, क्योंकि अभी जाऊंगा तो वो रुक से ले लेगी और उसका रुक हैंगिंग नहीं है अब, इंटरेस्टिंग, नहीं मेरा आइडिया था कि उसके बाद मैं बिशप डेवलप करूं आफ्टर प्लेइंग द नाइट, बट ओके अभी तो रुक डिफेंडेड है तो लेट्स सी व्हाट कैन वी डू, अभी एक मूव है सिंपल बिशप यहाँ पे, आई गेस बिशप यहाँ पे सही लग रहा है क्योंकि फिर क्वीन गेम में आ सकता है, बट क्वीन बी टू में प्रॉब्लम है कि दिस पॉन इज डिफेंडेड सो कोई फायदा नहीं है, एफ थ्री ई फोर डी टू रुक डी टू क्वीन एफ टू शुड बी योर प्लान, बट एफ थ्री अगर मैं जैसे ही खेलूंगा और ई फोर खेलूंगा तो शी विल टेक दिस नो, I don't know, very dangerous. Yeah, yeah. I see, Rahul. I'm thinking. Maybe sack this, it's no good. ये बिशप को यहां से हटा सके अगर किसी तरह, but it's fine actually. बस ये फाइल नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूं मैं रुक से, so maybe
दिस माइट बी अ स्लो प्लान बट इट्स वर्थ ट्राइंग. यहाँ रुक लेके आए. e4 बिशप टेक e4 क्वीन टेक c4. अरे नहीं वो बहुत डेंजरस है. देन रुक टेक्स दिस. नो रुक टेक्स दिस इज नॉट पॉसिबल. आफ्टर दिस मे बी maybe simply this. Yeah, that is not, that is very dangerous. So what I'm thinking is maybe I can play this move and this move and then slowly try to. Can I bring my queen here somehow? Let's play a waiting move. Your what is f5 man? I think f4 now. F4, then she'll try to attack this, right? Yeah, F4 is the threat, that is true, Rahul. Because that loses a pawn. This I'm just slightly afraid. Here, queen here, maybe king here can also come. I don't know. Oh yeah. Okay, let's try this. Okay, full throttle. Maybe queen here? If here I take, I think queen f2 looks good. Is taking any good? Taking is not good. Is g3 worth considering? g3, if I play g3. She can push, takes. g3 might be possible or queen f2, dono mein se koi ek. These are the g3 mein she has this. Actually g3 is very scary. yaha aur fir queen idhar aa jayega. I don't know, mate hi ho jaunga. Oh, now queen f2 Rahul is also suggesting. Yeah, queen f2 was my first instinct as well. More defense, I think that is necessary. Okay, more pressure on that.
अरे हाँ यार, ये मैंने देखा ही नहीं। बिशप B8 भी तो आ रहा है। ओ मैन, बिशप B8 इज स्कैरी। योर इट्स फाइन दो। इफ शी टेक्स आई विल टेक बैक विद द पॉन। मे बी आई कैन गो क्वीन G3 एंड देन थ्रेटन दिस, देन शी विल क्लोज। If I go here, she can't take. And if she pushes, then I take, take, take. Knight E2, चलो अब मैं हेल्प कर रहा हूँ आपसे, तो होना नहीं। नाइट E2। बट नाइट E2 टेक्स, राइट? नाइट E2 टेक्स 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 टेक्स। एंड देन टेक्स टेक्स टेक्स। इसमें तो पॉन लूज हो गया ना नाइट E2 से। आई फील लाइक क्वीन G3, गोइंग क्वीन G3। बट क्वीन G3 के बाद क्या? ओह, सिक्स पीपल आर वॉचिंग। हेलो हेलो एवरीवन, प्लीज लाइक द स्ट्रीम। पिछले लोगों को तो मैं बोल के थक गया, कोई लाइक ही नहीं करता यार मेरा स्ट्रीम। अरे क्वीन D8 आ जाएगा इस वेरिएशन में, नाइट E2 वाले में। इन द एंड क्वीन D8 आ जाएगा। हाँ दैट इज ट्रू, क्वीन D8 तो आएगा। टेक्स 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 टेक्स। क्वीन D8 आ रहा है। बिशप C7 आ रहा है। ओ उसके बाद बिशप C7। हाँ ओ भाई, ई टेक्स F4 से पहले क्वीन D8। ओके ओके आई सी, ताकि उसका ये आ जाए। बट व्हाट अबाउट बिशप C7? बिशप C7 काइंड ऑफ रिफ्यूट्स दैट। रूक E1 मे बी। भाई इतना क्यों ही सोच रहा हूं मैं, खेल देते, जो होगा देखा जाएगा। बिशप C7 तो उसने खेल ही दिया इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। भाई क्वीन G3, चलो मिखेल ताल बनो। हाँ भाई क्वीन मिखेल ताल ही बनना पड़ेगा।
मैं खेल रहा हूँ, अब जो होगा देखा जाएगा। क्वीन G3 पे क्या किया उसने? बिशप वहां पे। ओ सो इफ आई टेक, समझ नहीं आया मुझे। मैं रुक ये कर दूं अगर तो। हाँ आई थिंक रुक इवन प्लान इज टू गो G4। अभी इफ आई टेक देन व्हाट विल शी डू? शी विल प्ले क्वीन हियर और व्हाट? And if I go here, she'll push. H4 चलो, but H4 से क्या फायदा हो रहा है? She'll play G4 ना उसके बाद, H4 के बाद, H4 के बाद G4? लेट्स ट्राई। हाँ G4 ही आ गया, पूरा ब्लॉक हो गया पोजीशन। भाई ये छोड़ो। इसके बाद क्या करें? फिर यहां आ जाते हैं और फिर ये खेल लेते हैं। यहां आके ये खेल लेते हैं पूरा ब्लॉक। राइट, अभी G3 खेल दे तो सब प्रोटेक्टेड। आई थिंक G3 अगर अभी खेल दे तो एवरीथिंग इज प्रोटेक्टेड। और तो कोई मूव दिख नहीं रहा मुझे। लेट्स सी, अभी इस पे दो अटैक आएगा, कैसे आएगा? लेट्स प्ले, पहले ही क्वीन F2 खेलना था एक्चुअली मुझे, बेटर देन क्वीन दिस। क्वीन F2 वाज अ मल्टीपर्पज मूव, डिफेंडिंग दिस आल्सो। अभी ये खेलते हैं और फिर ये खेलेंगे और फिर इसका आइडिया रहेगा। अभी ये खेलते हैं। ओ भाई उसका क्वीन तो अंदर ही आते जा रहा है। अगर मैं यहां आ जाऊं तो उसको एक्सचेंज करना पड़ेगा क्या? फिर तो एक्सचेंज करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये क्वीन यहां नहीं आ सकता तो रुक हैंगिंग हो जाएगा। ओह शी इज सेइंग आई विल टेक बैक विद द बिशप। ओह मैन, और मे बी या शी विल टेक बैक विद द बिशप आई गेस। यस, और उसके बाद मैं यहां,
फिर तो ये पॉन बचाना है हमें, अब क्या करें? अब बस रोक से मूव करते रहे ऊपर नीचे, एक बार यहां एक बार यहां एक बार यहां, कि अपना किंग लेके आए कहीं पे। मे बी वी कैन ब्रिंग द किंग हियर। कुछ ज्यादा लंबा हो गया शायद। H5, पर H5 में मुझे लग रहा है ये वीक हो जाएगा, वो बाद में कभी फ्यूचर में ऐसे अटैक कर सकती है H5 को। फिर अभी के लिए इट्स काइंड ऑफ सॉलिड। आई डोंट नो, फील्स सॉलिड। मे बी हियर। आई लाइक दिस आइडिया, जस्ट मे बी किंग इम्प्रूव करते हैं पहले। लेट्स गो हियर। ओह, उसने क्लोज कर दिया। अभी किंग कहाँ लेके आए? यहाँ पे लाते हैं, फिर यहाँ, तो फिर किंग यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे आएगा तो इट्स फाइन। ड्रॉ आ रहा है क्या ये? वो तो रिपीट कर रही है। लेट्स सी। अरे नहीं भाई, रिपीट नहीं कर रही है। ओके, कुछ तो उसने कंसेशन दिया है मुझे। रुक हटा दिया वहां से। मैं तो देखता हूँ ये क्या करती है, खाली किंग मूव करते रहते। अरे उसका किंग कहाँ आ रहा है? एक सेकेंड, नाइट यहां आ गया। अगर इफ नाइट हियर, किंग कहाँ जाएगा? नीचे, और फिर मैं अपना नाइट इधर रख दूँ तो? नहीं, दिस इज ऑल्सो गुड। साला 94 से हिला ही नहीं पूरी गेम। अभी हिल सकता है राहुल, यहाँ पे E6 चेक आई गेस, फिर नाइट इधर और फिर नाइट यहाँ पे, बट उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। उसको 5 पॉन मिल जाएगा, विच इज बैड, इट इज वेरी बैड। उसका रुक भी खुल जाएगा, सो दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। यहाँ इसको हिलाते रहते हैं बस कि। ओ, उसने ये चल दिया। इसका मतलब कि हमें लेना पड़ेगा। मे बी हियर एंड हियर। ओ परफेक्ट स्पार्क। हेलो हेलो, ओ नाउ शी कैन प्ले दिस। लेना नहीं था, वाय?
अरे यार, अब तो यहां ये क्या नाइट ले लिया उसने। अरे दो दो पास पॉन हो जाएंगे उसके पास। ये इधर से लेते हैं और फिर अपना बिशप यहां लगा देंगे। अभी ओ मैन, कहाँ जाए? यहाँ आएगा तो ये यहाँ आ जाएगा। देन आई गेस आई हैव टू गो हियर, ऐसे ही करते हैं। अभी मैं बिशप ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करता रहता हूँ। रुक, यहां लाऊंगा तो ये आ जाएगा। ओ बट देन आई कैन प्ले दिस। रुक A2 हियर, लेट्स सी। रुक A2, अगर ये तो फिर मैं ये चेक दे दूंगा और ये आ जाएगा। फिर यहाँ आएगा, आई विल गो अप और आई विल जस्ट गो एंड सिट हियर। आई थिंक रुक A2 लुक्स गुड। रुक A2 पे अगर ये आ गया तो, अरे दैट इज डेंजरस मैन। नो देन ऑल्सो आई कैन गो हियर। ओ बट देन दिस हैंग्स। रुक A2 पे किंग A4 आ जा रहा है। शिट 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 शिट। ओ बट देन आई हैव दिस ना, उसको वापस जाना पड़ेगा। लेट्स ट्राई दिस। नहीं रुक बिश, हाँ देन उसके बाद डिस्कवर्ड चेक था, तो आई थिंक दिस वॉज द। अभी एक्सचेंज कर ले क्या? एक्सचेंज हियर हैज टू टेक टेक, और फिर किंग अंदर, किंग अंदर। बिशप C1, ओ वाह, एक्सचेंज हुआ तो गए। बिशप C1, व्हाट्स द आइडिया हियर? ओ टू कट ऑफ दिस रुक। अब भाई अगर देना शायद ड्रॉ हो जाए। ओके। अरे उसने ये पॉन दे दिया। नहीं ये देंगे तो वो यहां आ जाएगी किंग से।
फिर मेरा रुक गया, आउट ऑफ द गेम। नहीं उसके बाद तो आई कैन गो राइट, यहाँ यहाँ यहाँ। नहीं यार ये डेंजरस लग रहा है, पर मेरा भी तो 5 पॉन है, तो कुछ ना कुछ पूरा फाट होगी, मत लो। या ले लो यार, खत्म करो। ओके रिपीट करते एक बार। अबे मेरा दिमाग अब खराब हो रहा है ये। यहाँ आएंगे, यहाँ चल लू तो फिर लो भाई ये क्या है, मैं ले रहा हूँ अब जो भी हो देखा जाए। ये बिशप यहां लगा देते हैं, फिर किंग यहां। फिर ये यहां, बिशप यहां लगा देते हैं, तो ये दोनों पॉन तो फिक्स हो गए। और फिर मैं किंग ले जाके ये दोनों ऊपर, या किंग पहले ऊपर लेके जाते हैं ताकि ये आए तो मेरा किंग पहले निकल जाए, क्योंकि अभी शी कांट पुश दिस और दिस। मे बी दिस मूव फर्स्ट इज गुड। बट अभी आई कांट प्ले दिस। नो आई कैन प्ले दिस, इफ आई प्ले दिस, if she plays this I come here, if I play this and if she comes here I go here, and then here, what about bishop d3 now, so that I play this and she can't come here, 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 and then here. And then here. नहीं समझ आ रहा है, एक सेकेंड, आई एम कंफ्यूज बिटवीन दिस एंड दिस। एक बार ये वाला कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर यहाँ है, दिस चेक डजेंट वर्क बिकॉज आई कम हियर, अगर यहाँ आए तो वो ये यहाँ आएगी पक्का। भाई ये अब, अच्छा मैं खेल लेता हूँ एडवेंचरस मूव, पक्का वहां आ गई, वो तो पता ही था। अभी आई प्ले दिस,
भाई उसको डर ही नहीं है। टेक्स टेक्स अरे गया भाई गेम। अरे भाई गया गेम गया। ओके रिजाइंस रिजाइंस रिजाइंस। ओ मैन इसको तो मैं हरा के रहूंगा एक दिन। आज नहीं, आज का हो गया भाई, आज का हो गया। उसने एक भी मिस्टेक ही नहीं किया यार, तो कैसे हारेगी? जीरो मिस्टेक्स। डेप्थ 10 वाले हाँ भाई नहीं कर रहे, बट स्टिल मैन। ओके हराऊंगा मैं उसको, हराऊंगा एक दिन, हराऊंगा। इवेंचुअली तो शील प्ले द सेम मूव्स ना, मैं उसको एनालाइज कर करके हरा सकता हूँ, राइट? ओके भाई अब खेलते हैं। ये डार्क यूआई करते हैं ना, क्या होता है उससे? कुछ नहीं हो रहा डार्क यूआई से। बुलेट खेलना था ना अर्नब भाई को। राहुल भाई आपको क्या खेलना है, ब्लेड्स या बुलेट? chess.com की सेटिंग्स दिखा दो थीम की। क्लासिकल? अरे नहीं भाई, अभी क्लासिकल ही तो खेल रहे थे इतने देर से भाई, दिमाग खराब हो गया क्लासिकल। भाई अपने chess.com की सेटिंग्स दिखा दो, सेटिंग्स में क्या है भाई? अरे ये अर्नब भाई ने चैलेंज किया बुलेट। करेस्पॉन्डेंस खेलोगे क्या होता है भाई? भाई टाइम नहीं है।
ओह करेस्पॉन्डेंट मतलब यू गेट डेज टू मेक अ मूव. ओ खेल सकते भाई, खेल सकते हैं. मैंने कभी ट्राई नहीं किया बट डेफिनेटली. लेट्स सी इसमें क्या हो रहा है. ओह मैन ऑलमोस्ट. ए फाइल नहीं दिख रही है. ओ भाई सॉरी, ये कुछ तो अभी सही हो गया होगा. एंड प्लीज डोंट. हाँ भाई इंजन तो मैं वैसे भी नहीं सकता. अरे कहाँ गए. मुझे लगा था बस प्लेइंग. ओके अरे अर्नब भाई कहाँ चले गए. आइसोलेटेड वॉरियर 1 मिनट प्ले. लेट्स सी. मेरी बुलेट रेटिंग कम हो गई फिर से यार, 1700 से 1600 हो गई. क्या ही बताऊं, एक टूर्नामेंट खेल लिया बुलेट वाला, उसमें लोगों ने इतनी बुरी तरह हराया मुझे कि पूरा रेटिंग कम. डू यू वॉन्ट चेस बेस 16 फॉर फ्री. फॉर फ्री कहाँ से आएगा भाई, पर मेरे पास विंडोज लैपटॉप नहीं है. Anymore, cry on my shoulder and make me.
So go and cry on my shoulder so you can find someone for me to hold you. Let's just say our last goodbye. For now you can lay down for a while and cry on my shoulder so you can find someone for me to hold you dear. अरे यार क्या हो रहा है। ओके दैट इज इट। अरे यार आई कैन सेंड लिंक आर्या शाह ने ही सपोर्ट सागर शाह सो मच उसे पता चला मैं फ्री में दे रहा हूँ विल गेट टिक्ड ऑफ। लिंक मतलब कोई वो अरे यार ये क्या मूव है। ओ मैन क्या मूव था वो। अरे ये किसने चैलेंज किया मुझे। योर बॉस ने चैलेंज किया। ओके वही मैं सोचा ये नया चैलेंज कहाँ से आ गया। एक सेकेंड ये आइसोलेटेड। हाँ अब सोचूंगा ही नहीं मैं। यही होता है सोचने ना पे। सॉरी अरे ये न्यू क्यों आ जाता है बार बार। सॉरी गलती से यार रीमैच करना था मुझे। आइसोलेटेड वॉरियर को चैलेंज भेजना।
अरे यार टाइम से नहीं आना, टाइम से नहीं प्लीज। अरे टाइम से भी हार गया, पोजीशन से भी हार गया, हद है। मेरे साथ भी खेलो। हाँ राहुल भाई, आप भी चैलेंज करो, पर आपको तो क्लासिकल खेलना है ना, बुलेट खेलते हैं भाई। भाई दो दो रेटिंग करके मेरी कितनी रेटिंग चली गई। ब्लिट्स, हाँ ब्लिट्स खेलते हैं। ये किसका चैलेंज है? ये तो इसके बाद खेलते राहुल भाई आपके अभी मैं शायद अर्नब भाई के साथ ही खेल रहा हूँ। ओ ये पॉन विपिन है यार। ओके
यार ये आई थिंक आई एम मोस्ट अभी राहुल भाई आप चैलेंज कर रहे हो तो खेलते हैं आपके साथ ब्लिट्स, अर्नब भाई तो हरा ही देते हैं मुझे हर बार। एक और खेलो। ओके मैं आया 2 मिनट में। ओके तब तक मैं एक और खेल लेता हूँ अर्नब भाई के साथ। इस बार अच्छा खेलेंगे। आई थिंक लास्ट टाइम आई मूव द मूव आई मिस्ड द मूव और उसके बाद उन्होंने मुझे मौका ही नहीं दिया। अरे ये G4 खेलेंगे पक्का। आई न्यू इट ये G4। अब इसमें मुझे पता नहीं होता है कहाँ जाते हैं, यहाँ कि यहाँ यहाँ जाते हैं। चलो G4 लाइन सिखाई थी पर मुझे याद नहीं है। Can I play this? No. Whatever moves you encounter, उस बुक में देख लेना। ओ ओके भाई ठीक है राहुल। अरे नहीं करता यार ये लाइन मुझे सीखना था ना अर्नब। इस ट्रैप हो गया यार। टैक्टिक्स
क्यों ही खेल रहा हूँ मैं ये रुक इज गॉन हाँ भेजो राहुल भाई ब्लिट्स लेफ्ट का बैटरी थोड़ा कम हो रहा है मैं एक निकाल के चार्ज कर लेता हूँ अरे ये इतनी कम रेटिंग भाई अनरेटेड भेजो भाई चलो एक एक्सेप्ट कर लेते हैं इसके बाद अनरेटेड भेजना भाई 7-0 अडॉप्ट अरे मैं मौका दे रहा था अर्नव अडॉप्ट तो नहीं करने दूंगा मैं ये मेरा नाइट बॉट बेचारा मांगता रह जाता है लाइक लेकिन कोई देता नहीं है थ्री मोर मैचेस भाई ठीक है अरे क्या ही ब्लंडर कर रहा हूँ यार पीस हैंगिंग था मेरा राहुल भाई यहाँ पे हाईलाइट बनेगी अरे भाई
मेरा क्वीन ना ट्रैप हो जाए उधर कहीं। जल्दी अडॉप्ट हो, मुझे सोना भी है। ओके। अरे भाई ड्रॉ क्यों, एक तो मेरी रेटिंग चली जाएगी। भाई आपकी रेटिंग नहीं जाएगी ना हारने पे, वैसे भी -1 ही होगा। अरे रिमैच भेजा था मैंने, क्या हुआ? मेरा लग रहा है म्यूजिक बंद हो गया क्या? एक बार देखते हैं म्यूजिक को क्या हुआ मेरे। अभी चल रहा है। बस इसके बाद खेलते आना भाई, इतनी जल्दी, वरना अगले स्ट्रीम में अडॉप्ट कर लेना भाई। बुलेट या 3+0? बुलेट या 3+0 कोई भी चलेगा। कैन आई टेक 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 Here, what to do?
Let's see. Takes, let's take with this. ओ टाइम नहीं है मेरे पास. ओके okay. अरे टाइम से हरा दिया यार, -15 हो गया मेरा. ओह नो, आई डिडंट केयर अबाउट द टाइम. ओह मैन. अरे अन्ना भाई हैं या चले गए? अन्ना भाई ने एक भेजा है. अन्ना भाई का बुलेट अडॉप्शन कर लेते हैं, उसके बाद राहुल भाई आप हरा लेना भाई. अरे क्या ही डर्टी खेलते हैं यार ये.
ओके, थैंक्स फॉर रेस्टिंग. ओ मैन, ये अर्नब भाई को अडॉप्ट करना था ना. ओह मैन, ओके, क्लोज क्लोज, एक्चुअली नॉट क्लोज. बहुत टाइम था अर्नब के पास. आई डोंट नो, एक मैच तो हारना चाहिए. इस लाइन में गलत क्या है जो मैं खेलता हूँ? ये इतना बैकफुट पे क्यों आ जाता है? नहीं, अरे यार, मेट नहीं दिख रहा था यार. ठीक है भाई, ठीक है.
अब सो जाओ आप आराम से। मैंने सोचा 3 मैच में स्पॉइल कर दूंगा तो नींद नहीं आएगी ना रात में, इसीलिए बस हार गया मैं। यू मिस समवेयर रूक डी सिक्स। ओ अरे बिकेश भाई, क्या हाल चाल भाई? मुझे लग रहा था कुछ तो मिस हुआ है कहीं पे, बट मैंने ये रुक हैंग कर दिया ना इधर, क्या ही बेवकूफी की। अदरवाइज आई थिंक आई हैड अ गुड पोजीशन। अरे कंप्लीटली अडॉप्टेड नहीं भाई। टू मिस्ड विंस, देखो मुझे लग रहा था कहीं तो था मौका। मैं बुलेट इतना प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ ना अर्नव, इसीलिए 10-0 खेल रहा हूँ थोड़ा बहुत, तो बुलेट की आदत छूट गई है। मुझे अभी अभी पता भी नहीं चल रहा है मैं कितने देर से स्ट्रीम कर रहा हूँ। कितना बजे अभी? 11:50, तो 2 घंटे 3 घंटे होने वाले हैं क्या? 9 बजे शुरू किया था मैंने। हाँ ऑलमोस्ट। कोई और स्ट्रीम कर रहा है क्या अभी? लेट्स सी अवर यूट्यूब क्या चल क्या रहा अभी। स्किलिंग ओपन डे वन। ओ किसी का मैच चल रहा है क्या उधर? अली रेजा वर्सेस पीटर स्विडलर। ओ विदित भी का भी मैच चल रहा है कैसे? बट ये तो चेस 24 पे होगा। यस टूर्नामेंट चालू है, विकेश भाई बोल रहे हैं। बढ़िया भाई, क्या हाल चाल विकेश भाई? सॉरी उस दिन आपके साथ खेल नहीं पाया था भाई। ये बेथ हार्मन को तो हमने हरा नहीं हरा पाया। 2700 बेथ हार्मन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ट्राई कर रहे थे पर नहीं हरा पाए भाई। अरे भाई अच्छा आप बड़े लोग हैं तो भूल जाते हो। ओके ओके समझ गया भाई। तो वो मैच अगर मुझे देखना हो तो कैसे देखेंगे? चेस 24 करने पे आएगा? गूगल करते हैं। वो आया कुछ तो। स्किलिंग ओपन ओ भाई ये कुछ तो चल रहा है। chess.com में भी है? chess.com में कहाँ है? प्ले स्किलिंग ओपन ऑन जीएम हिकारू। अरे ये तो किसी की स्ट्रीम आ गई भाई। गॉगल्स वाले ऑप्शन पर। ओ ओके ओके समझ गया। इधर पे होम। अरे वो कहाँ गया भाई? प्ले वॉच विदित और डोडा का मैच चल रहा है क्या? विदित और डोडा।
तो अपना टाइटल चेंज कर देते हैं साथ में। विदित इज वाइट, आई सी। टाइटल कैसे चेंज करें? टाइटल में लिख देते हैं प्लेइंग अगेंस्ट, कहते हैं वॉचिंग स्किलिंग ओपन। ओके, दिस पोजिशन इज ड्रॉ बट व्हाइट हैज चांसेस फॉर विनिंग एज ब्लैक पॉन इज आइसोलेटेड। यू मीन दिस वन इज आइसोलेटेड, बट विदित का टाइम बहुत कम है, 15-14 सेकेंड है। आई डोंट नो वॉट ये टाइम फॉर्मेट क्या है, इंक्रीमेंट है क्या? टाइम फॉर्मेट कैसे पता चलेगा? ऊपर कुछ ये 960 पोजीशन था क्या? मतलब इट वाज नॉट अ नॉर्मल चेस। 15 प्लस 10, ये लाइव 960 क्यों दिखा रहा है यहाँ पे? आई डोंट नो। ऑब्जर्विंग एनालिसिस बोर्ड, गेस कर सकते हैं क्या यहाँ पे मूव? सो अभी डोडा की मूव है, अरे भाई चैंपियंस चेस टूर का 1 ऑफ 9 टूर्नामेंट्स है। ओके भाई, हर रोज 5 राउंड्स, आई सी। सिक्सटीन प्लेयर्स, यहां भी विदित तो भी कर रहे हैं लोग चैट में। एट विल क्वालिफाई। ओके, सो व्हाइट इज ट्राइंग टू प्रेस फॉर अ विन आई गेस। अभी डूडा का टाइम विदित से कम हो गया, देखते ही देखते। व्हाट इफ किंग हियर नाउ? अरे मैंने मूव कर दिया यार। ओके, हाँ हंड्रेड परसेंट ड्रॉ है, तो कोई और मैच देखो। ओ अभी तो रिपीट करने लगे। कार्लसन वर्सेस राजाबाव देखते हैं। कार्लसन वन ऑब्वियसली। बाकी तो बस एक ये कार्याकेन का और नाकामुरा का शुरू होने वाला है या चल, आई डोंट नो।
बाकी तो हो गए ना सारे, गिरी ये सब आई गेस अपकमिंग मैचेस हैं। सारे तो ड्रॉ ही हो गए। एमवीएल राजा बाव एक यही मैच बचा है बस आई थिंक। अरे मेरा माइक गया भाई। आ रही है क्या आवाज मेरा गा? शायद था, आ तो रही है पर म्यूजिक नहीं आ रहा होगा। ओके अभी आ रहा होगा। ये तो ड्रॉ ही है। चलो फिर खत्म है और क्या। मैं भी जाता हूँ फिर, स्ट्रीम बंद करके सब सो जाओ, अब लेट हो रहा है भाई। कितना बज गया होगा इंडिया में? 1:30 बज रहा होगा राइट, रात के आई थिंक। चलो 6 लाइक तो हो गए स्ट्रीम पे। ओके गाइस अगले वीक मिलते हैं होपफुली, और मे बी स्किलिंग ओपन मैं स्ट्रीम करूँगा, आई डोंट नो। अगली बार थोड़ा प्रिपेयर करके। ओके सी यू गाइस।